नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। एसबीआई के जूनियर एसोसिएट मतलब क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। और आज एसबीआई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दिया है, तो चलिए इस नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं। तो क्लिक करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिएगा कि अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आ चुका है। 27/4/2021 से लेकर 17/5/2021 के बीच में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन आपको इंग्लिश में यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को जल्दी से हम देख लेते हैं, और डाउनलोड होने में कुछ टाइम लग रहा है। डाउनलोड हो चुका है दोस्तों, ठीक है, डाउनलोड कुछ देर में हो जाएगा। तो एसबीआई का ये बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है, ठीक है, टाइम लग रहा है डाउनलोड होने में। जैसे डाउनलोड होता है हम देख लेते हैं। ऐसे मैं क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ। एज लिमिट सबसे बारे पहले बताऊँ तो 28 साल इसमें होना चाहिए, 18 से 28 के बीच में होना चाहिए। और कब से अप्लाई कर सकते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है 92 होगा, मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ 92 के बाद होगा वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और क्वालिफिकेशन तो आप लोगों को पता है कि ग्रेजुएशन होगा, और एप्लीकेशन फ़ी लगभग 750-850 भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि अब जो बैंक के फॉर्म है वो थोड़ा ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो एक अच्छा चांस है, क्योंकि एसबीआई का एग्ज़ाम जो होता है आसान होता है, बट ये चेंज करने के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे जिससे आपको दिक्कत हो सकता है, बट एग्ज़ाम ठीक ठाक होता है, सही एग्ज़ाम होता है, सबसे पहला एग्ज़ाम होता है। तो इस कोविड के सिचुएशन में ये एग्ज़ाम, ये नोटिफिकेशन निकल गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत कम चांसेस था कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा। पीओ का चांसेस था कि पीओ का तो आएगा, बट क्लर्क का 1% भी चांस नहीं था। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए। चलिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, हम देख लेते हैं कि क्या है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इसको मैं कंप्यूटर में भी डाउनलोड करके सेव कर लेता हूँ, वहाँ से आप लोग को अच्छे तरीके से मैं बता सकता हूँ। यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ से शायद आप लोग उतने अच्छे तरीके से ना दिखे, फिर भी आप देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी पहले बात करते हैं, तो 4915 वैकेंसी है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी। वैकेंसी थोड़ी कम है, क्योंकि वैकेंसी 10,000 के आसपास निकलनी चाहिए थी, बट वैकेंसी यहाँ कम देखने को मिला है। और यहाँ टोटल बात करें तो 5,000, बट आपको अपने स्टेट में फाइट करना है, तो डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में कितना वैकेंसी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो मुझे गुजरात स्टेट में दिख रही है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है गुजरात में। उसके बाद कर्नाटका हो गया 400 वैकेंसी, उसके बाद छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा, छत्तीसगढ़ 120 वैकेंसी, जो कि ठीक ठाक वैकेंसी माना जा सकता है इस 5,000 वैकेंसी में। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, आगे अगर हम बात करें, पीडीएफ खोल के देखते हैं यहाँ पे। ये मैं पीडीएफ डाउनलोड मैंने किया हुआ है, तो इसे अब हम खोल के देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 400 वैकेंसी है, 78 वैकेंसी मध्य प्रदेश अनसेफ जोन में, मैं अभी रखूँगा। छत्तीसगढ़ मुझे अच्छा लगेगा इस हिसाब से, मध्य प्रदेश भी ठीक ठाक है, हो सकते हैं कि वहाँ के बच्चे वहाँ इस बार कम कट ऑफ जाए। वेस्ट बंगाल में भी ठीक ठाक, 273 वैकेंसी है, 111 जनरल का है, और 295 वैकेंसी पंजाब का है, 180 वैकेंसी हिमाचल प्रदेश का है, जो कि ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा वैकेंसी आया है हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु में भी अच्छा मौका है, दिल्ली में 80 वैकेंसी है, दिल्ली में कंपटीशन होगा। उत्तराखंड में दिल्ली से कम कंपटीशन होगा, हरियाणा में 110 वैकेंसी है, हरियाणा में कंपटीशन देखने को मिलेगा, वहाँ फाइट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तेलंगाना एक अच्छा स्टेट है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तेलुगु और उर्दू चाहिए, ये ध्यान रखना है। राजस्थान 175, उसके बाद उत्तर प्रदेश 350, जो कि कम है यूपी के हिसाब से। महाराष्ट्र 640, वहाँ मराठी चाहिए, आपको सीखना होगा मराठी। अरुणाचल प्रदेश से 15 वैकेंसी है, मणिपुर 18 वैकेंसी है, और मिजोरम नागालैंड 10-20, त्रिपुरा। अब यहाँ पे पटना का मुझे दोस्तों नहीं दिखा, पटना का मैं देख लेता हूँ, पटना का छूट नहीं गया ना, मैं देख लेता हूँ। चंडीगढ़ सर्कल का दिख रहा है यहाँ पे, और नॉर्थ ईस्ट का दिख रहा है, पटना का नहीं दिख रहा है। तो फिर से मैं देख लेता हूँ कि पटना, और ये पटना में ही झारखंड आएगा, मतलब पटना जोन में ही झारखंड आना चाहिए। भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और लखनऊ, केरला, दिल्ली, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्टर्न,
पटना का दोस्तों इस बार झारखंड में वैकेंसी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोग को अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि कहाँ से आप लोग को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। एक मौका मिल गया जो अच्छा मौका है, इसमें चाहे तो आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार देखेंगे तो अंडमान का भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो वैकेंसी है बट सब स्टेट के लिए वैकेंसी यहाँ SBI ने रिलीज नहीं किया है। तो आगे अगर हम देखें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैंने आप लोग को बता दिया था एज लिमिट 18 साल तक चाहिए, और एज जो कैलकुलेट किया जाएगा 93 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब 23/4/1993 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, और 2001 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अच्छा मौका है, अगर अभी तक आपका किसी भी बैंक में अगर अभी तक जॉब नहीं कर रहे तो ये अच्छा मौका है, इसमें अप्लाई कीजिए। कट ऑफ पे आपको आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि किस जोन को आपने सेलेक्ट किया है, और एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग को पता ही है कि इंग्लिश में न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग यही सब पूछे जाएंगे। उसके बाद मेंस में अगर बात करें तो यहाँ इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, और जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, जो कि थोड़ा GA से मुश्किल होता है। आगे अगर हम बात करें कुछ और पे स्केल भी, यहाँ देख सकते हैं कि 47,920 रुपये तक आपको दिया जा सकता है, 45,000 47,000 अच्छा पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे SBI का जो फैसिलिटी होता है सब सब बहुत अच्छे होते हैं। आगे अगर हम बात करें सर्कल पे भी डिपेंड करता है, अगर हम मान लीजिए कि आप मेट्रो सिटी में हैं तो आपको आपको वहाँ पे अच्छा सैलरी मिलेगा मेट्रो सिटी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉल लेटर, ये सब है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, अगर आप लोग का कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछिएगा मुझसे। और 750 रुपये यहाँ अप्लीकेशन फ़ी है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था आप लोग को, और दोस्तों यहाँ पे और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिएगा एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया जा रहा है, अंडमान के लिए तो शायद वैकेंसी निकला ही नहीं है, तो एग्ज़ाम सेंटर अगर अंडमान से अप्लाई करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर होगा, मतलब अंडमान में जाना चाहते हैं तो। ऐसे में बता दूँ एग्ज़ाम सेंटर आप कहीं भी दे सकते हैं, आप अपने होम सिटी भी दे सकते हैं, SBI ने आज तक तो ऐसा ही किया हुआ है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप अप्लाई कहीं से भी कीजिए, अपने होम सिटी आप आराम से एग्ज़ाम सेंटर दे सकते हैं। फ़ोटो का साइज़ 20 KB सिग्नेचर का नहीं, फ़ोटो का साइज़ 50 KB सिग्नेचर का साइज़ है 20 KB के अंदर होना चाहिए, 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। डिक्लेरेशन और थंब इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना होगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन में इतना ही, इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा, किसी को और कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट करके आप लोग पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।